Hello my dear students, today we are going to discuss some method of preparation of nitroalkanes. In previous video, we just start our new compound, that is nitro compounds or special use major dekh rahe wo hai nitroalkanes. Last video mein humne nitro compounds kya hote hai, kaise rehte hai, uski definition kya hai, साथ साथ नाइट्रोअल्केन जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने नाइट्रोअल्केन्स की डेफिनेशन भी देखी और उसका क्लासिफिकेशन भी देखा. नाउ आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन. लास्ट वीडियो में हमने नाइट्रोअल्केन की एक मेथड जो है वो लास्ट में जो है वो डिस्कस की थी, दैट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स. आज के वीडियो में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले है फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर नाइट्रोअल्केन्स और नाइट्रो कंपाउंड फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. द सेकंड वन इज फ्रॉम अल्फा हैलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज फ्रॉम primary amines. The next one is from alpha nitroalkanes and finally from oxines. So ये सारे method जो है वो आज की video में जो है वो हम discuss करने वाले हैं, और इन various compounds से हम prepare करने वाले हैं वहां पे nitroalkanes और in general nitro compounds. तो शुरू करते हैं आज की first method of preparation of nitroalkanes, that is from alkyl halides. अब अल्किल हैलाइड से जो है वो नाइट्रोअल्केन जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो एक्चुअली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइड टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्रोअल्केन्स. व्हाट हैपन व्हेन अल्किल हैलाइड्स, वेदर इट इज प्राइमरी अल्किल हैलाइड और सेकेंडरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइड, दे गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्रोअल्केन्स. अब यहां पर जो अल्किल हैलाइड्स है उसमें से स्पेशली अल्किल आयोडाइड्स और अल्किल ब्रोमाइड्स, दे रिएक्ट फास्टली विद सिल्वर नाइट्राइड टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्रोअल्केन्स. इन केस ऑफ अल्किल क्लोराइड्स दे रिएक्ट स्लोली. अल्किल क्लोराइड्स यानी आर बॉन्ड सीएल जो है वो स्लोली यहां पे जो है वो रिएक्ट करते हैं. सो बेटर रिएक्टिविटी जो है वो शो करते हैं अल्किल ब्रोमाइड्स एज वेल एज अल्किल आयोडाइड्स. तो ये ध्यान में रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहां पे, ठीक है ना. जनरल रिएक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन्स फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, क्या है जनरल रिएक्शन इसकी, तो आर्गोनेट्स दैट इज अल्किल हैलाइड वेयर स्पेशली जो हैलाइड ग्रुप है या तो वो ब्रोमाइड होगा या फिर आयोडाइड होगा, इट गेट रिएक्ट्स विथ AgNO2, that is silver nitride, and there is a formation of R1NO2, that is nitroalkanes. So हमने क्या किया, हेलो अल्केन्स जो है वो यहां पर लिए, और अल्किल हैलाइड जिसको हम कहेंगे स्पेशली उसमें से अल्किल ब्रोमाइड्स और अल्किल आयोडाइड, उसकी रिएक्शन हमने यहां पर की सिल्वर नाइट्राइड के साथ, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला, तो हमें प्रोडक्ट यहां पर मिला वो है R1NO2, that is nitroalkanes. तो नाइट्रोअल्केन जो है वो हमें यहां पे मिलता है अलॉन्ग विथ सिल्वर हैलाइड. सो ऐसे सिंपल सी जनरल केमिकल इक्वेशन जो है वो यहां पे परफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो है हम यहां पे फॉर्म कर सकते हैं नाइट्रोअल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स. अब ये तो हो गई जनरल केमिकल इक्वेशन ना, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे. सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर हम यहां पे जो ले रहे हैं अल्किल हैलाइड वो है 1-hydropropane, जिसकी रिएक्शन जो है वो हम सिल्वर नाइट्राइड के साथ जो है वो यहां पे करेंगे, जिसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो नाइट्रोअल्केन यहां पे मिलेगा वो है 1-nitropropane. तो नाइट्रोप्रोपेन जो है वो यहां पे फॉर्म होगा अलॉन्ग विद सिल्वर आयोडाइड. तो ऐसी सिंपल केमिकल रिएक्शन यहां पे हो रही है. व्हाट हैपन इन दैट केस, व्हेन 1-hydropropane रिएक्ट्स विथ N-propane or N-propyl iodide reacts with silver nitride, there is a formation of nitropropane or 1-nitropropane. So इस तरीके से हमने यहां पर 1-nitropropane जो है वो फॉर्म किया. उसकी केमिकल इक्वेशन क्या हो रही है, तो
CH3 bond, CH2 bond, CH2 bond R. That is 1-iodopropane or N-propyl iodide. Reacts with. इसके साथ react हो रहा है तो silver nitride के साथ, that is AgNO2. So there is a formation of, क्या form हो रहा है यहाँ पे, तो simple सा product हमें मिल रहा है, that is CH3 bond CH2 bond CH2 bond NO2, that is 1-nitropropane, और simply उसको कहते हैं nitropropane along with silver iodide. तो ऐसा सिंपल सा प्रोडक्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिला फर्स्ट एग्जांपल में, हमने प्रिपेयर किया 1-nitropropane. अब अगर हमें नाइट्रो इथेन जो है वो फॉर्म करना है तो हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ब्रोमो इथेन. सो व्हाट हैपन व्हेन ब्रोमो इथेन रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्राइड, क्या होगा जब ब्रोमो इथेन जो है वो रिएक्ट होगा सिल्वर नाइट्राइड के साथ, there is a formation of CH3 bond CH2 bond NO2 along with AgBr. So here chemical reaction kya ho raha hai yahan pe, to actually CH3 bond CH2 bond Br, that is bromoethane, reacts with AgNO2 and there is a formation of CH3 bond CH2 bond NO2, that is nitroethane along with AgBr. तो ऐसा सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड. अब ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन जिसमें अल्किल हैलाइड से हमने नाइट्रो अल्केन जो है वो प्रिपेयर किए बाय रिएक्टिंग अल्किल हैलाइड्स विद सिल्वर नाइट्राइड. अब अगर हमारे पास सिल्वर नाइट्राइड नहीं है तो अल्किल हैलाइड से हम किस तरीके से जो है वो नाइट्रो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं. So instead of silver nitride, we have to use sodium nitride or potassium nitride. अगर हमने अल्किल हैलाइड के रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अगर के इन द प्रेजेंस ऑफ डायमिथिल सल्फॉक्साइड और एन डायमिथिल फॉर्मामाइड के प्रेजेंस में, तो हमें यहां पे मिलेंगे करस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्किन्स. तो इस तरीके से हम इस सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से हम अल्किल हैलाइड से जो है वो नाइट्रो अल्किन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सिंपल सी यहाँ पे जो है वो रिएक्शन होगी. सो अल्किल हैलाइड्स व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ डायमिथिल सल्फॉक्साइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्किन्स टेक्स प्लेस. करस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्किन जो है वो वहां पे हमें मिलेंगे. सो ये सिंपल सा स्टेटमेंट जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं टू प्रिपेयर नाइट्रो अल्किन फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय यूजिंग सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड. इसकी सिंपल सी एक केमिकल इक्वेशन जो है वो होती है यहाँ पे, जिसको हम जनरल केमिकल इक्वेशन भी कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्किन. क्या रिएक्शन होती है, तो हमने अल्किल हैलाइड यहाँ पे लिए, आर बॉन्ड एक्स स्पेशली जो एक्स है वो ब्रोमाइड रहेगा या आयोडाइड रहेगा, वो रिएक्ट हो रहा है यहां पे सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और पोटेशियम नाइट्राइड दैट इज KNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ डायमिथिल सल्फॉक्साइड. किसके प्रेजेंस में यहां पे रिएक्शन हो रही है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डायमिथिल सल्फॉक्साइड. तो आपको यहां पे जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा आर बॉन्ड NO2, दैट मीन्स नाइट्रो अल्केन. तो नाइट्रो अल्केन जो है वो यहां पे आपको मिल रहा है, साथ साथ आपको बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज NaX सोडियम हैलाइड और KX, डिपेंड करेगा आप किस टाइप का नाइट्राइड जो है वो यूज करेंगे. अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल, व्हाट हैपन व्हेन इथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइड. When ethyl bromide or bromoethane reacts with sodium nitride, then there is a formation of nitroethane along with sodium bromide. So इस तरीके से हम nitroethane जो है वो prepared कर सकते हैं यहाँ पे. So first example, उसकी chemical equation हम यहाँ पे देखेंगे. So ethyl bromide or bromoethane, that is CH3 bond CH2 bond Br, it reacts with sodium nitride, that is NaNO2, in the presence of, condition bolna nahi,
in the presence of a solvent like dimethyl sulfoxide or NN dimethyl formamide. इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो हो रही है और हमें यहां पे मिल रहा है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NO2 दैट मींस नाइट्रो इथेन जो है वो यहां पे फॉर्म हो रहा है, साथ साथ हमें मिल रहा है सोडियम ब्रोमाइड दैट इज NaBr। सो ऐसा सिंपल सा ये फर्स्ट एग्जांपल यहां पे हमने देखा जिससे जिसमें हमने क्या किया तो इथिल ब्रोमाइड से जो है हमने प्रिपेयर किया यहां पे नाइट्रो इथेन। सो अब अगर हमें नाइट्रोमिथेन फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लेना पड़ेगा यहां पे मिथिल ब्रोमाइड और ब्रोमोमिथेन जिसकी रिएक्शन हमें या तो सोडियम नाइट्राइड के साथ करनी पड़ेगी या फिर पोटेशियम नाइट्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक डायमिथिल सल्फोक्साइड और NN डायमिथिल फॉर्मामाइड जिसकी वजह से हमें यहां पे प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट होगा हमारा नाइट्रोमिथेन दैट इज CH3NO2। सो केमिकल इक्वेशन जो है वो यहां पे क्या होती है, तो एक्चुअली व्हेन CH3 बॉन्ड Br दैट इज ब्रोमोमिथेन और मिथिल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड, दोनों में से कोई भी एक जो है वो हम यहां पे ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डायमिथिल सल्फोक्साइड एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोमिथेन दैट इज CH3 बॉन्ड NO2 अलोंग विद सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। सो इस तरीके से यहां पे हमने प्रिपेयर किया नाइट्रोमिथेन दैट इज CH3 बॉन्ड NO2। सो ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक एग्जांपल जो है वो हमने यहां पे देखा। अब ये तो हो गया एलिफैटिक नाइट्रो अल्केन्स के बारे में। अगर एरोमेटिक जो है हमें यहां पे नाइट्रो कंपाउंड जो है वो फॉर्म करना है तो वी आर नॉट एबल टू प्रिपेयर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स बाय यूजिंग दिस मेथड। अब ऐसा क्यों होता है, यहां पे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो यहां पे नाइट्रो कंपाउंड्स क्यों फॉर्म नहीं कर सकते बाय यूजिंग दिस मेथड, तो एक्चुअली दिस हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ लेस रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स और अरे हलाइड्स स्पेशली टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एक्चुअली अरे हलाइड्स जो है वो बहुत कम जो है वो शो करते हैं। सो ये बात जो है वो ध्यान में रखना। सो ओवरऑल दिस इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स फ्रॉम अल्किल हलाइड्स।